मुरैना यात्रा की सीरीज पर बने इस वीडियो में मैं आपको इस जिले की यात्रा के दूसरे दिन की जानकारी दे रहा हूं। पिछले वीडियोस में आपने कुतवार के कुंती मंदिर, बटेश्वरा मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, 64 योगिनी मंदिर की यात्रा को देखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो मुरैना विदिशा यात्रा की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और वेबसाइट traveljunoon.com पर जाकर इस यात्रा के ब्लॉग को पढ़ भी सकते हैं। आइए मुरैना यात्रा के सफर को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी शनि महाराज की जो प्रतिमा है वो तांत्रिक प्रतिमा, कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, राजसी वेशभूषा में नहीं है। शनि के हमारे 10 रूप बताए हुए हैं, उस 10 रूपों में इस प्रतिमा का वर्णन नहीं मिलता है। शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं और शिव जी के भी शिष्य हैं। यहाँ दो चीज बड़ी विचित्र है, एक तो शनि जो है तांत्रिक है और वो जो है ना संप्रदाय की प्रतिमा है। यहाँ से लगभग शनि मंदिर से वो जो है 12 किलोमीटर की नरेश्वर उसको धरोहर का, वहाँ जो भगवान शिव के मंदिर थे, रावण ने वहाँ यज्ञ की, वो कुंड आज वर्तमान में है, विशाल कुंड है, और वहाँ 12 शिवलिंग, 10 शिवलिंग जो है, एक दो शिवलिंग तो बाहर है पर 10 शिवलिंग हमारी एक लाल, रावण अपना शीश काट करके एक एक करके शिवलिंग पे चढ़ाता था, वो नरेश्वर यही है। हमारी ये चरणावती नदी है, ये भगवान विष्णु के चरणों से इसका निकाल, पर लेकिन है ये बड़ी खतरनाक, इतनी खतरनाक है हमारी चरणावती नदी के मध्य में, जैसे जो हमारे मुरैना जिले में 7 नदियों का संगम हुआ, तो ये इतनी जो है इसका, जब हमारे हरिवंश पुराण में कथा आती है, विष्णु पुराण में कथा आती है कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के चले और भ्रमण करा रहे थे, तो जैसे ही चमल के किनारे आए और उन्होंने पालकी को रख के वो आचमन किया तो उनके मन में एक विकार आए। वो विकार भी कैसा आया कि वो अपने पिता से बोले कि पिताजी अब तो हमने तुम्हारी बहुत सेवा कर ली, अब हम जो है इससे आगे नहीं कर सकते हैं और हम आप तुम जो है यही रहिए। तो पिताजी ने पूछा, वो बड़े ज्ञानी थे, अंधे भले ही थे परम ज्ञानी थे, उन्हीं की बेटा हम कहा है कि हम राजा अम्बरीश की राजधानी चरणावती नदी के किनारे, हम राजा अम्बरीश की राजधानी में। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमें ये चरणावती से पार करा दे फिर बेशक छोड़ दे। जब वो पार लेके गया तो जैसे ही उसने पैर उधर रखा तो उसको गोद उठाया, मैंने अपने पिता से कहा, तो उन्होंने क्षमा मांगी पिता से, पिताजी के बेटा तेरा दोस्त नहीं है या कि मिट्टी का दोस्त। मुरैना में अब सांझ ढलने लगी थी, मेरे प्रोग्राम में अभी शनिचरा महादेव मंदिर और कराय आश्रम बाकी थे और मुझे शाम को 6:30 बजे विदिशा की गाड़ी भी पकड़नी थी। इन चुनौतियों के बीच अब मैं बढ़ चला था शनिचरा मंदिर की ओर। जैसे कि हमारा ये दो गांव है मुरैना जिले में आते हैं, पोथर गांव, बीच में एक नदी है क्वारी नदी, चम्बल की शाखा है वो। तो आप ये समझिए कि उस दो गांव है, एक गांव जातर पे एक गांव जातर पे, तो उसमें 250 से ऊपर डाकू थे। ऐसा क्या था उस गांव में कि 250 डाकुओं को भरना पड़ा। उसमें सबसे पढ़े लिखे थे माधव सिंह, जो फौज से रिटायरमेंट होकर के आए थे, एक ब्रिगेडियर पद से रिटायरमेंट होकर के आए, ब्रिगेडियर पद बहुत बड़ा पद होता है, उससे जो रिटायरमेंट लेके भी आए तो उनको डाकू बनना पड़ा। वहां 74 में जब शासन ने ये युद्ध छेड़ा था चंबल के डाकुओं को समाप्त करने के लिए, तो वहां के जो कुआ थे उसमें शीशा डलवाया था वहां के जल को कमजोर करने के लिए। अच्छा जी, ये प्रमाणित है, शासन को पता है। 1974 में जब एक विरोधाभावी हमारे जो मान संत थे और उनसे हमारे परशुराम दास जी जो भिंड के मान संत थे, उनके द्वारा माधव सिंह ने जाकर के इंदिरा गांधी से क्षमा प्रार्थना करी और समर्पण का बोल दिया। ये तो हमारी जो हो गई कथा, ये आज से नहीं है यहाँ डाकू समस्या, ये सदियों से थी हमारी चरणावती नदी के किनारे, क्योंकि चरणावती का जो है इतिहास दूसरा भी है, इसका रक्त वरण है, इसका रक्त वरण है चरणावती का, रक्त से निकली हुई है। शनिचरा मंदिर धरती पर शनिदेव का पहला मंदिर है, इसे लंका से हनुमान ने स्थापित किया था। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में शिला रूप में जिन शनिदेव की पूजा की जाती है वह शिला यहीं की पहाड़ी से ले जाई गई है। मैंने शनिचरा मंदिर पर अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जानकारी से भरा वह वीडियो भी देख सकते हैं, वही वीडियो आपको इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हम आते हैं आपके शनिदेव, ये शनिदेव महाराज अकेले इकलौते नहीं है,
शनिदेव से 1 किलोमीटर की दूरी पे गणेशपुर, जहाँ गणेश महाराज का मंदिर है, वो बड़ा विचित्र विलक्षण प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा हमारे बंबई में व्यास बिनाई जी की नहीं, और वहाँ शेषनाग की मूर्तियां, प्राचीन तालाब है, और वो सब दबे हुए हैं उसमें, कुछ अभी ऊपर आ रहे हैं जी। यहाँ से मितावली आपने देखी, बटेश्वर जो है वो था जहाँ पुरोहितों को जो शिक्षा दी जाती थी। ये अगर दक्षिण से आक्रमण होता तो आता था ही आते आते यहाँ तक समाप्त हो जाते थे, या हमारा उत्तर से होता तो आता था ही आते आते यहाँ तक समाप्त होते। ये बहुत उसके बाद में जो है हमारा मध्य भारत आता है, ये यहीं तक नहीं है, ये मुरैना है, भिंड है, ग्वालियर है, शिवपुरी, शिवपुरी भी उनके ही नाम से। हमारे 100 किलोमीटर के दायरे में जो भी आपको प्रतिमाएं मिलेंगी वो सब तांत्रिक प्रतिमाएं मिलेंगी, तंत्र से संबंधित मिलेंगी। ये हमारे पुराणों में आता है कि तंत्र बहुत पहले से था, और बिल्कुल था, सच्चा था, तब साधक थे, आज साधक नहीं। जी जी, आपने कहा कि यहाँ पे हर किलोमीटर पे एक रहस्यमय मंदिर है जी, ये थोड़ा उल्लेख करिए इसका एक बार। देखिए उसका क्या है कि पूरा शनि पर्वत पे हमारे पे इसका व्यास 27 किलोमीटर है, अगर हम इसको चतुर्कोण में देखते 27 किलोमीटर इधर से इधर या इधर से इधर, और 27 इसपे जो है व्यासी झरना जल के, जबकि इसकी ऊंचाई आप देख रहे हैं तो जमीन की ऊंचाई देख रहे हैं, जहाँ कोई आसपास नदी भी नहीं, पर वो व्यासी झरना कहाँ से आता, और जहां जहां जो जल का साधन था वहीं वहीं जो है सिद्धों ने अपने आश्रम बनाए थे तांत्रिक, तो आज भी है उसमें से लगभग हमारा 60% नष्ट हो चुका है। कब? अवैध खनन, अवैध खनन से हुआ है, कुछ प्राकृत से हुआ है, कुछ अवैध चोरों ने किया है, बड़बड़ी हमारी मूर्तियां चोरी चली गई। प्रत्यक्ष में एक प्रमाण हम आपको देना चाहते हैं, एक यहाँ से जो अपने शनि धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पे गालब खो है, गालब खो में एक मूर्ति थी बरहा भगवान की, और वो 4 बार तस्कर उसको ले गए चोरी करके, और ये देखिए वो इतनी ताकतवर मूर्ति थी कि 4 बार वापस आ गई, बम्बई के घाट पे अनायास जहाज में पकड़ी गई। तो इतनी जो अगर उस मूर्ति में पत्थर नहीं है, अगर मूर्ति में ताकत नहीं होती तो अपने आप जो है वो किसी भी तरह नहीं आती। शनिचरा महादेव मंदिर पर दर्शन तो हुए ही, लेकिन साथ में हनुमान जी की विलक्षण और जीवंत प्रतिमा भी देखी। यह विश्व में उनकी अनोखी प्रतिमा है। यहीं पर बहती दिखी गुप्त गंगा, जो समाहित तो होती हैं धरती में, लेकिन दे जाती हैं वह पावन जल जिससे होता है शनिदेव का अभिषेक। शनिचरा मंदिर पर ही मैंने भोजन किया। यहाँ 24 घंटे मुफ्त लंगर सेवा है। त्यागी बाबा के सानिध्य में यह सेवा की जा रही है। जब मुझे यहाँ भोजन मिला तो सच मानिए ऐसा लगा बरसों की भूख मिट गई हो। भोजन की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा रहस्यमय है यहाँ, और आप जो कभी जाए हमारा जो है रावण वाला उल्लेख किया आपने। हाँ देखिए, यहाँ रावण ने इसी मूर्ति को रावण लंका ले गया था, शनि महाराज की इसी मूर्ति को हनुमान जी ने वहां से आजाद कराया। रावण जानता था कि इनकी आंखों में तेज है, क्योंकि इनकी पत्नी ने इनको यहाँ श्राप दे दिया था। जब पत्नी आई ये तपस्या में लीन थे, इन्होंने अपने नेत्र खोल के पत्नी की तरफ नहीं देखा, तो पत्नी ने इनको श्राप दे दिया कि जिसकी तुम तरफ देखोगे वो उसी का जो कार्य बिगड़ जाएगा और वो सुखी और संपन्न नहीं रहेगा। रावण जब इनको लेके गया था तब रावण ने इनको बंदी में नहीं डाला। जब रावण के जब पुत्र का जन्म होने वाला था मेघनाथ का, तो हमारे विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब रावण के पुत्र का जन्म होने वाला था तो रावण ने लोग ग्रह बंद किए थे और ग्रहों से कहा कि अपने अपने अच्छे घर में जाओ। तो वो 8 ग्रह जो शनि से बोले कि भाई तुम ही कुछ कर सकते हो, नहीं तो इसका जब पिता ऐसा और पुत्र अगर ऐसा हो गया तो शक्ति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तब शनि महाराज ने क्या किया कि शनि महाराज ने अपने घर में बैठते हुए और 7वें घर में बैठे थे, 8वें घर में अपना पैर रख दिया। जब इनका जन्म हुआ रावण मेघनाथ का, तो रावण ने देखा और जब कुंडली बनाई तो वो अल्प मृत्यु निकली, तो तत्काल उसने क्रोध में आकर के शनि को बंदी में डाल दिया, उनको उल्टा कर दिया कि तुम इसी तरह से हल पड़े हो। जब हनुमान जी गए थे तब इनको आजाद कराया गया। तो शनि सबसे बड़ा ग्रह है हमारे ग्रह मंडल का। शनि एक साथ में 5 राशियों को देखते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी पर हो जाता है। गुरु को जो है 2.25 साल लगता है, राहु केतु को 18-18 महीने लगते हैं। हर हमारा ग्रह जो है 2 साल से ज्यादा नहीं चलता, पर शनि जो है सूर्य पुत्रो दीर्घ देही विशाल अच्छा शिवा प्रिया मंदा चरह प्रसन्न आत्मा पीड़ा हरत में, ये शनि की उंगली है।
ये शनि की उंगली है सबसे बड़ी, ये शनि की हमारे हाथ में जो शनि की उंगली है, तो जब शनि धीरे धीरे एक साथ में तीन राशियों पर चलता है, दो पे अपने हमसे की दृष्टि करते हैं, तब ये जो है साढ़े सात वर्ष में एक चक्र पूरा कर पाते हैं। एक मनुष्य पे जो है जीवन में दो ही बार आता है, तीसरी बार तो जो 90 साल का हो जाएगा तो ही शनि की दिशा है। और शनि जब पहली दिशा आती है तो शनि कर्म फल दाता है, आपने जो कर्म किया है उसको अवश्य दंड देगा, और कर्म नहीं किया है तो वो जो है दंड नहीं देता, चाहे वो भयभीत होने की जरूरत नहीं। हमारे पंडितों ने पहले जो बहुत खेल खराब ब्राह्मण पंडितों ने शनि आया लोग आता तो इसी में जो हो जाते थे। शनिचरा मंदिर में जानकारी के बाद हम चल दिए त्यागी बाबा से मिलने के लिए। त्यागी बाबा अपने आप में एक जीता जागता इतिहास है। इनके पास सिर्फ मुरैना और इस शनि मंदिर की ही नहीं बल्कि समूचे मध्य प्रदेश का ज्ञान भंडार है। इस भंडार में से कुछ बूंदें उन्होंने हमें भी दी। देखिए, मेरा नाम शिवराम दास त्यागी है और मैं 1971 से शनि नाम पे रह रहा हूँ। आज जो विकास हुआ है वो 2007 के बाद का है। पहले ये जंगल भयंकर जंगल हुआ करता था और 1975 तक इसमें शेर हुआ करते थे। अब हम आते हैं मंदिर पे। जो हमारी शनि महाराज की जो प्रतिमा है वो तांत्रिक प्रतिमा है, कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, राजसी वेशभूषा में नहीं है। शनि के हमारे 10 रूप बताए हुए हैं, उस 10 रूप में इस प्रतिमा का वर्णन नहीं मिलता है। शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं और शिव जी के जो शिष्य हैं। यहाँ दो चीज बड़ी विचित्र हैं, एक तो शनि जो है तांत्रिक है और वो जो है ना संप्रदाय की प्रतिमा है। ना संप्रदाय से जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ भी नाथ है ना, जो कानों में जो कुंतल पैरते हुए, ये संप्रदाय हमारी जो है भारत वर्ष में या तो दक्षिण भारत में मिलेगी या फिर जाकर के आपको हरियाणा में पंजाब में इसमें बहुत ज्यादा मिलेगी, गुरु गोविंद नाथ जी से जुड़ी हुई है। तो ये भगवान उनकी शिव जी की जो है प्रतिमा है, ये तांत्रिक प्रतिमा है। यहाँ इसी कंदरा में महाराजा दशरथ जब शनि को लेके आए थे तो इसी कंदरा में शनि ने निवास किया, तो ये अत्यंत क्रोधी थे, तो शिव जी ने इनको अर्धचंद्र दिया है। तो आप मूर्ति का जो लेना उसके मस्तिष्क पे अर्धचंद्र है, कहीं पर भी आपको जो अर्धचंद्र और अन्य जगह नहीं मिलेगा, किसी भी प्रतिमा पे नहीं मिलेगा। इनका रूप बड़ा सौभ्य है, यानी बिल्कुल शांति प्रिय है, इनके नेत्र बिल्कुल नीचे जी देखा, ये बहुत बड़ी कंदरा थी। तो आपने जो दौर देखा है शनि मंदिर में, एक बार उसका उल्लेख कर लीजिए। आखिरी बार बड़ा विचित्र दौर जो आपने 14 वर्ष की अवस्था से लेकर अब तक देखा, बड़ा विचित्र दौर, जिसलिए भिंड मुरैना बदनाम भी रहा है और इसी वजह से लोग यहाँ कमाते हैं। इसलिए रहा कि ये यहाँ के हमारे जो दो मंदिर बड़े विख्यात है, एक भिंड में आता है, एक ग्वालियर में आता है, भिंड में आता है, और एक हमारे मुरैना में शनि मंदिर, और भिंड में जो हमारी एक मैया का मंदिर आता है रतनगढ़ की। शनि जो है डाकुओं के इष्ट शनि थे, डाकुओं के इष्ट दुर्गा थी, डाकुओं के दो इष्ट थे। ये बड़ा भयंकर जंगल हुआ करता था, डाकू निर्भय होकर के यहाँ विचरते थे, और ये आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। ऐसा कोई डाकू नहीं है जो शनि पे नहीं आया हो, और पहले यहाँ कोई रात में नहीं रहता था, बिल्कुल 4 बजे के बाद में कोई नहीं जाता था। सन 1800 का ये मंदिर वर्तमान में जो बना हुआ है 1800 से, इससे पहले जो हमारा मंदिर सवा 14वीं-16वीं शताब्दी का, उसका ही टुकड़ा यहाँ से एक शनि सिंगनापुर गया है जी, गेट का जी, जी। वही यहीं से गया है शनि सिंगनापुर में, वो गेट का है। पहले क्या हल्के गेट बनते थे, लोग झुक के जाते थे, पत्थर से पत्थर जोड़ते थे, उस पर कोई मसाला नहीं लगता था, पत्थर से पत्थर पे जैसे, तो वो पत्थर वहाँ गया हुआ है, बाकी के पत्थर यहाँ भी। आपने डेड बॉडीज यहाँ पे लोग फेंक दिया करते थे? हाँ, कई मर्डर हुए हैं। 1974 से लेकर के 84 तक 5-6 मर्डर मेरे जमाने में हुए। ये एक पहले एक धर्मशाला है वहाँ, जो ऊपर ही जाते तो खंडहार थी, उसमें कोई गेट नहीं था, उसमें कोई मरम्मत वगैरह नहीं थी, कोई गेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वहाँ जो एक ये चूड़िया का बंद थी फिरोजाबाद के, पत्नी और बेटी को मार के डाल गए थे उसमें। एक बार ग्वालियर के जो है वो मार के डाल गए, वो द्वारी थे क्या थे पकड़े सब गए शनि बाबा की बातें, चाकुओं से गोद के मार के डाल गए। लोग कहते थे उसमें भूत हैं, लोग कहते थे उसमें जिंद रहता है, सर्फ मैंने देखा है, बड़ा विशाल सर्फ है, और 50 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, मैंने ही नहीं देखा है, मैंने IAS IPS अधिकारियों को दिखाया है, हजारों लोगों को दिखाया है, आज वो भी गायब गवाह है इस बात के, और बड़ा विशाल है जिसके मूंछ है सर्फ के, और वो गुफा मंदिर में रहता है। तो गुफा कहाँ है? वो शनि मंदिर में जैसे ही हम जाते हैं उसकी बगल में गुफा है, जहाँ अंदर ही जो एक कुंड है, पहले ही जो मंदिर बना हुआ था वो एक बड़ा विचित्र बना हुआ था, 3 मंजिल का था, एक मंजिल नीचे थी, 2 मंजिल ऊपर थी, उसमें 2 गेट थे, 2 गेट अगर हम बाहर से लगाते थे तो फिर कोई नहीं जाता था। पुतली बाई जो डाकू हुई है उसने अपना 2.5 वर्ष इसी मंदिर में गुजारा था,
यही उसका जो इलाज चला था, जहाँ से हाथ कटा था अम्बा के कोंथर में उसके गोली लगी थी। जब गोली लगी तो हाथ में, जब ग्वालियर में एक डॉक्टर हुआ करते थे शिवानी, डॉक्टर शिवानी, शिवानी को घोड़े पे बैठा के लाया जाता था, आंखें बांध के लाते थे और यही उसका इलाज चला था। 2.5 वर्ष उसमें रही थी और किसी को पता भी नहीं पड़ता था। पहले मंदिर की व्यवस्था ये थी कि अपने आप ही एक ऑटोमेटिक टाइप का बना था, कितनी भी गर्मी हो तब भी कूलर टाइप की जो हवा मिलती थी नीचे से। आज वर्तमान में जो आप गेट देख रहे हैं, ये गेट नहीं था शनि का, ये तो 18वीं शताब्दी में बनाया गया है। यहाँ से 14वीं शताब्दी में इस बदल से लेकर के मंदिर तक सीढ़ियां गई, ये मेरा टीम से पड़ा है, यहाँ से सीढ़ियां मंदिर तक जो है गई। और पहले गेट उधर कंदरा में से था, ऊपर चढ़ के आते थे, एक कंदरा इधर थी, एक कंदरा इधर थी। लेटे हनुमान जी क्या है, लेटे हनुमान जी जो है भगवान सूर्य के शिष्य हैं। जब हनुमान प्राकृतिक मूर्ति है, प्राकृतिक मूर्ति है, सब ने देखा कि तू उनकी गति से चल सकता है, मैं दीक्षा तभी दे सकता हूँ, मेरी गति ज्यादा है क्योंकि मुझे तो प्रतिदिन उदय होकर के संसार को प्रकाशित करना है। तो हनुमान जी उनकी गति से चले, ये बड़े दंड थे शनि महाराज, तो इन्होंने पिता पुत्र का समझौता कर। एक जो है हनुमान जी हमारे शनि मंदिर में सामने ही हुआ देखा मैंने, ये जो है 11वीं शताब्दी की प्रतिमा है। अच्छा, ये शिव जी की और हनुमान जी की, पहले ये बिल्कुल एक लेवल में थे, खुले में थे। तो इसका जो मैं मंदिर वगैरह ये हमारे द्वारा जो है सेवकों से जो माँ गुप्ता जी ठहरे उनके द्वारा कर, बड़ी विचित्र मूर्ति है क्योंकि बाल मूर्ति उनके अभी रेखा नहीं है, बाल मूर्ति हाल हमेर बुद्धि खंगवारो, भगवान का एक ऐसा विचित्र श्रृंगार है कि आज मूर्ति को बनाना बड़ा असंभव है। सही, मैंने देखा, मैंने पूरा नाखून जी देखे उनके जी। हाँ, यानी नाखून ही नहीं और वो यानी जीवंत है, मैं देखता हूँ, मैंने देखा है, पसीना आता है उनके नाखून बढ़ते हैं, ये मैंने अपना 50 साल का देख रहा हूँ। मैंने मंदिर में कई रेस्ट देखे जब मैं वहां अकेला रहता था, जब मैं हनुमान जी के बगल में कुठरिया बना के रहा था, कुठरिया तो थी, सफाई करके वहीं रहता था, रात में कोई नहीं रहता था, बड़ा भयंकर लगता था, जहाँ जनावरों की आवाजें, तरह तरह के पक्षियों की आवाजें, और मंदिर में ये लगता था कि कोई इधर से इधर को गया, परछाइयाँ दिखती थी, घंटे बजते हुए दिखते थे, कोई आरती कर रहा है ये दिखते थे, अगर नीची मंजिल पर हम जाते तो ऊपर होके कोई निकल रहा है, और ऊपर जाते तो ये लगता था कि नीचे होकर के अभी कोई निकल के जा रहा है। तो मंदिर अपने आप में जो है आश्चर्यजनक है और कई रहस्यमय है। त्यागी बाबा की गौशाला के रास्ते में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। यह मंदिर देखकर मुझे प्रयागराज वाले हनुमान मंदिर की याद आ गई। दोनों ही मंदिरों में हनुमान एक ही मुद्रा में हैं। त्यागी बाबा के साथ वक्त का वह लम्हा भी गुजर गया जो मुझे किराए आश्रम में बिताना था। फिर भी कहते हैं ना कि जो होता है अच्छा ही होता है। मैं लेट तो हुआ और किराए आश्रम जा भी नहीं सका, लेकिन आपके लिए किराए आश्रम की वह जानकारी ज़रूर जुटा ली थी जो मुझे वहाँ जाकर दिखानी और बतानी थी। यह जानकारी दी मुरैना के ही वरिष्ठ पत्रकार अनिल तोमर जी ने। हाँ, मुरैना का एक धार्मिक स्थल है किराए आश्रम, यहाँ ये बाबा पटिया वाले की तपस्थली माना जाता है। बताया बाबा पटिया वाले पुलिस की जॉब करते थे, पुलिस में थे, तो एक बार क्या है कि वो ड्यूटी थी और वो अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि वो ड्यूटी पे नहीं जा पाए, तो उनकी जगह भगवान ने खुद ड्यूटी दी। अच्छा, जब भगवान ने ड्यूटी दी और फिर वो जब उन्हें एकदम याद आया कि मुझे ड्यूटी जाना था, जब ड्यूटी पहुंचे तो वो बोला कि अभी तो तुम ड्यूटी दे के गए। तो उसी दिन से क्या है वो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो पूरी तरह से तप में लीन हो गए। बताया कहा जाता है कि वो उनके जहाँ आश्रम के आसपास शेर रहते थे उनके पास में बैठे रहते थे, और वो पटिया वाले नाम इसलिए पड़ा कि वो पटिया पे बैठ के वो उड़े थे। अच्छा, कहीं उन्हें सत्संग में जाना था और जल्दी की वजह से फिर नहीं दूर होने की वजह से वो पटिया पे बैठ के उड़ के गए थे, तब से उनका नाम पटिया वाले बना है। और इनके यहाँ दो आश्रम में दो कुएँ हैं, उन्हें सरजू बोलते हैं। तो मुरैना बताया जा रहा है, पूरे जिले की मान्यता है कि अगर कोई कुत्ता काट ले किसी को तो इसमें नहा, इसके पानी से नहा लो तो कुत्ते का असर नहीं रहता है। और मुरैना में बहुत कम लोग ही हैं जो कुत्ते के काटने के बाद में इंजेक्शन लगवाते हैं, वो सीधे जाके किराए आश्रम में जाके पानी कुएँ के पानी से नहाते हैं। बताते हैं कि जब पटिया वाले बाबा थे
तो एक बार भंडारा हो रहा था तो घी की कमी पड़ गई थी, तो उनके जो व्यवस्थापक हो उनने उनसे कहा कि बाबा घी कम हो गया है, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी चलो सरजू जी सरजू में से निकाल लो, उसके बाद में जब घी आ जाए तो उसमें डाल देना उतना। तो जब लोगों उन्होंने सरजू में से पानी की जगह घी निकला, उससे भंडारा हुआ, उसके बाद में जब घी आया तो उसको उसी कुएं में डाल दिया गया। तो आज यहाँ क्या है, साल में एक बार कार्यक्रम होता है सीएपीए मिलन समारोह, इसमें एक एक बार में यहाँ इतना बड़ा भंडारा होता है कि एक एक बार में 1.5 से लेके 2 लाख लोग एक साथ खाना खा प्रसाद लेते हैं, खाना खाते हैं बैठ के। और यहाँ भी जो व्यवस्था है खाना इनको देने की, वो ट्रॉली ट्रैक्टर की ट्रॉली में से खाना परोसा जाता है लोगों को। मुरैना की यात्रा करके अब मैं बढ़ चला था विदिशा की ओर। विदिशा में मैंने विजय मंदिर और सांची स्तूप की यात्रा की। इन दोनों के ही वीडियोस में बना चुका हूँ, लेकिन यात्रा की कुछ और भी झलकियाँ हैं जिनके साथ इन दोनों वीडियोस को मैं आप तक जल्द ही पहुँचाऊँगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें, लाइक पर भी टिक करें। अगर आप यही वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें अच्छा करते रहने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो देखने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया दोस्तों।